हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट इज सेक्शन बी डिनर बाय मून नाइट देखिए इसमें हैव यू एवर बीन ऑन एन एडवेंचर दैट इन्वॉल्व समथिंग मिस्टीरियस क्या आप कभी ऐसे एडवेंचर पे गए हैं जो कि कुछ रहस्यमयी हो मिस्टीरियस हो जिसमें कुछ मिस्टीरियस चीजें इन्वॉल्व हो क्या कभी आप ऐसे एडवेंचर पे गए हैं डिस्कस योअर एडवेंचर विद ए पार्टनर पार्टनर के साथ डिस्कस करिए डू यू थिंक माउंटेन्स आर मिस्टीरियस वाई क्या आपको लगता है कि माउंटेन्स मिस्टीरियस होते हैं वाई क्यों लगता है ऐसा थ्री फ्रेंड्स तो इन दिस स्टोरी थ्री फ्रेंड्स है एडवेंचर ओके सो दिस स्टोरी इज गिवन अबाउट द थ्री फ्रेंड्स सो लेट्स स्टडी थ्री फ्रेंड्स रस्टी पिताबर एंड पोपट आर ट्रेकिंग ऑन द वे टू विच माउंटेन अ पीक इन दुम थ्री फ्रेंड्स है रस्टी पिताबर एंड पोपट ये एक विच माउंटेन एक जादु माउंटेन के रास्ते में थे जा रहे थे एक पीक जो कि कुमायू हिल्स पे है क्लोज टू चक्र चक्राता चक्राता के पास में कुमायूं हिल्स पे एक चोटी है जो वहां ए माउंटेन है विच माउंटेन जादु माउंटेन दे आर स्पेंडिंग द नाइट एट द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वे अपनी रात एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में काट रहे थे बिता रहे थे जो कि एक केयर टेकर के द्वारा जिनको अटेंड किया जा रहा था वन आइड मैन हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज काली टोपी और ब्लैक हैट एक वन आइड मैन मींस एक आंख वाला आदमी जो कि अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस कर रहा था काली टोपी के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहा था जो अपने आप को या फिर ब्लैक हैट कह लीजिए ब्लैक हैट लिट वंडरफुल बोर्नफायर दैट नाइट उस रात को उसने बोर्नफायर जला रखी थी अलगाव अलाव जला रखी थी ठीक है आग जला रखी थी मतलब बहुत ही शानदार फॉलन ऑक लीव्स माइंड Corns and एंड that had fallen फॉलन the heavy विंटर स्नो ऑल कंबाइन टू मेक अ क्रैकलिंग फायर फॉलन ओक लीव मीन्स ओक की पत्तियां गिरी हुई ओक की पत्तियां पाइन कॉर्स चीड का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां ब्रांचिज जो कि हैवी विंटर स्नो के जो दौरान गिर जाती थी उनको उसने कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छी फायर क्रैकलिंग फायर उसने जलाई द फ्लेम लिफ्ट ऑफ स्टिंग एन ऑरेंज ग्लो फ्लेम एक काफी तेज हो रही थी और जो एक ऑरेंज ग्लो दे रही थी उनके फेसिस कॉन्टिनेंस डेमोनिक कॉन्टिनेंस मींस होता है डेविल uh, के जैसा फेस ठीक है डेविल के जैसा फेस जो ब्लैक हेड का एक शैतान के जैसा फेस जो लग रहा था वो गिवन एंड इवन मोर डिविलिस्टिंग बाई द फ्लिकरिंग फायर लाइट यानी कि जो फ्लिकरिंग होता है कम या ज्यादा होना आग कभी ज्यादा हो जाती थी कभी कम हो जाती थी तो फ्लिकरिंग फायर लाइट में उसका जो सैतान के जैसा दिखने वाला चेहरा था वो और ज्यादा बुरा लगने लगा मीन्स और ज्यादा वो सैतान के जैसा दिखने लगा और डरावना लगने लगा ईगर टू कीप द फायर गोइंग ही ऑलमोस्ट सेटफायर टू हिस्स वियर्ल्ड स वो आग जलाने का इतना इच्छुक था वो उसके इतने नजदीक था कि, कि लगभग उसकी वियर्ड में दाढ़ी में आग लग गई थी लगभग लग गई लग थी वाई डोंट यू रिमूव योर हैट आस्क रस्टी रस्टी ने पूछा उससे कि आप अपना हैट क्यों नहीं रिमूव करते हो द हैट वॉन्ट लाइक इट सैड इट्स वियर इसके वियर ने मींस जो उसको पहने था उसने कहा कि हैट पसंद नहीं करता क्या पसंद नहीं करता कि मैं उसको उतारू इट फील सेफ अपॉन माई हेड एंड आई फील के ऊपर सेफ फील करता है और मैं उसके नीचे सेफ फील करता हूं रेन और स्नो आउटडोर्स और इन बेड दिस एट रिमेन्स अपॉन माई हेड चाहे बारिश हो बर्फ पड़ रही हो बाहर हूं या फिर मैं बेड पे हूं हर टाइम एवरी टाइम ये मेरे हेड के ऊपर ही रहता है ये हेड द बॉयज क्लैप्ड बॉयज ने तालियां बजाई क्लैपिंग की दे हैड टू एडमायर देयर होस्ट लॉयल्टी टू हिज हेड उन्हें अपने होस्ट की जो उनको होस्ट कर रहा था उसकी हेड के प्रति जो लॉयल्टी थी वफादारी थी उसको वे एडमायर कर रहे थे उसकी तारीफ कर रहे थे प्रशंसा कर रहे थे एंड दे हैड टू एडमिट इट सीम्ड टू सूट हिम एडिंग डिस्टिंक्शन टू हिज स्कार एंड वन आई दे हैड टू एडमिट उन्हें ये एडमिट करना पड़ा कि यह टोपी उसके ऊपर सूट भी कर रही थी और जो उसका एक निशान इस होता है एक निशान मार्क जो उसके चेहरे पे था और उसकी एक आंख जो थी उसमें एडिंग डिस्टिंक्शन मीन्स उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बना रहा था टैलस योर नेम आज पपट पपट ने पूछा कि अपना नाम बताइए काली टोपी इज माई नेम आई नीड नो फर्दर क्लेम टू फ्लेम टू फेम टॉपी मेरा नाम है और मुझे इससे ज्यादा और कोई क्लेम नहीं चाहिए पर फेमस होने के लिए, फेम के लिए लिए फेम प्रसिद्धि वी विल कॉल यू टोपी फॉर शॉर्ट रस्टी रस्टी ने कहा कि हम शॉर्ट में आपको टोपी बोलेंगे बट स्टेलस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वियरिंग इट आप हमें बताइए कि आप कितने समय से इसको पहने हुए हैं ओनली थर्टी ईयर्स अबाउट हाफ ऑफ माई लाइफ केवल थर्टी ईयर्स लगभग मेरी लाइफ का आधा आधी लाइफ हो गया है मुझे इसे पहने हुए इट हैज लास्टेड वेल ऑब्जर्व पीतम्बर पीतम्बर ने ऑब्जर्व किया और कहा कि काफी समय से ये टिकी हुई है आपके सिर पर मेड इन लंडन इट वॉज worn बाई एन अंग्रेजी मेजिस्ट्रेट वेन आई वॉज यंग फॉरेस्ट गार्ड ये लंदन में बनी है ये अंग्रेजी मेजिस्ट्रेट के द्वारा पहनी जाती थी जब मैं एक फॉरेस्ट गार्ड था ही वॉज किल्ड बाई ए टाइगर उसको एक टाइगर के द्वारा मारा गया टाइगर एट हिम बट लेफ्ट दाइगर ने उसको खा लिया मेजिस्ट्रेट को लेकिन क्या छोड़ दिया उसने बाकी हेट छोड़ दिया वेयर सॉरी uh, uh, जब ये हुआ तो क्या आप वही पे थे यस इट है मैजिस्ट्रेट हाँ ये यस yes, मैं वही पे था बहुत तेजी से हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ द मैजिस्ट्रेट हिज एजिस्टेंट एंड टू फॉरेस्ट गार्ड मजिस्ट्रेट उसका असिस्टेंट और दो फॉरेस्ट गार्ड आई वॉज वन ऑफ वर ऑन फुट फूट दो फॉरेस्ट गार्ड जिनमें से एक मैं भी था हम पैदल थे सभी पैदल जा रहे थे ऑन द ट्रेल डाउन टू हैनोल हैनोल की तरफ हम जो है पैदल जा रहे थे वेन दिस टाइगर केम आउट ऑफ द बस इज वेरी फास्ट वेरी साइलेंट एंड पाउंसिब एंड कैरिड हिम ऑफ तभी टाइगर uh, आया बुसिस के पीछे से आया झाड़ियों के पीछे से बहुत तेजी से बिल्कुल साइलेंट एकदम uh, आवाज किए बिना और साहिब पे झपटा और उसको ले गया एंड वोट अबाउट यू और आपका क्या मतलब आपका क्या हुआ फिर उसके बाद आई वॉज इन नो टाइम इन नो टाइम मीन्स पलक झपकते ही बहुत जल्दी से मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया बट नॉट बिफोर वन ऑफ माई आई लेकिन इससे पहले नहीं जब मैं चढ़ा लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि टाइगर ने मेरी एक आंख पर पंजा मार दिया दैट वॉज वैन आई वॉज ट्राइंग टू रेस्क्यू द साहिब ये तब हुआ जब मैं साहिब को रेस्क्यू करने की साहिब को बचाने की कोशिश कर रहा था नन ऑफ अस हेड गुशी आप देख सकते हैं कि आ, हमारे हम में से किसी के भी पास गन्स नहीं थी यू डोंट चेज एन एंग्री टाइगर विद वॉकिंग स्टिक आप एक एंग्री टाइगर को वॉकिंग स्टिक से चेज नहीं कर सकते हैं पीछा नहीं कर सकते हैं सो वी अंटिल वी थॉट इट था सेफ तो तब तक हमने इंतजार किया जब तक हमें नहीं लगा कि अब सेफ होगा एंड देन वी वेंट फॉर हेल्प फिर हम हेल्प के लिए गए फाउंड द मैजिस्ट्रेट साहिब नेक्स्ट डे अगले दिन हमें मैजिस्ट्रेट साहिब मिले नॉट मच वॉज लेफ्ट ऑफ हिम ज्यादा कुछ उनमें बचा नहीं था टाइगर खा गया था उसको इट वॉज मैन ईटर ऑल राइट एंड द फर्स्ट इन दीज पार्ट इन पार्ट में इन एरियाज में ये फर्स्ट मैन ईटर था एंड देयर वर कब्स कब्स होते हैं सावक मीन्स जो टाइगर के बच्चे होते हैं वे तो, तो टाइगर के बच्चे भी थे एंड दे टू ग्रो अप टू बी मैन ईटर अब वे बड़े हो गए होंगे मैरिटर्स बन गए होंगे एंड द द मजिस्ट्रेट स्टिल रस्टी ने पूछा और क्या हैट क्या हैट को अभी मजिस्ट्रेट पहने हुए थे नो इट वॉज लाइंग नियर द बोस वेयर ही पे उनको अटैक किया गया था वहां बुस के पास में झाड़ियों के पास में वो पड़ा हुआ था ये हैट लुक देयर इज स्टिल बिग स्क्रैच ऑन इट देखो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्क्रैच है निशान है ठीक है मेड बाय ऑफ द टाइगर टाइगर्स के क्लॉ के द्वारा पंजे के द्वारा बनाया गया था पंजे का निशान था उसके ऊपर अब भी द बॉयज नजदीक आए उस हैट को देखने के लिए इियर हैड नो इंटेंशन ऑफ रिमूविंग इट क्योंकि जो उसको वियरर था जो पहने हुए था उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था उसको उतारने का ठीक है इरादा नहीं था

Uh, एक मीन्स स्टोरी दैट इज हार्ड टू बिलीव मीन्स इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है मीन्स दैट सीम्स फेक स्टोरी जो हमें झूठी कहानी लगती है ठीक है इस तरह की कहानी थी वो सुनने में बट द बॉयज डिसाइडेड टू बिलीव इट लेकिन बॉयज ने उस पर बिलीव किया विश्वास किया यू कुड बिलीव एनीथिंग अबाउट ब्लैक हैट आप ब्लैक हैट के बारे में कुछ भी आप विश्वास कर सकते थे आगे देखते हैं खायास हंग्री एनिमल्स गैदर्ड अराउंड डार्क अंधेरे में बहुत सारे हंगरी uh, एनिमल्स उनके आस पास इकट्ठा हो गए बट कैप्ट टू दैडोज लेकिन वे छाया में रहे वे जो रोशनी थी उसकी आग की उसमें नहीं आए क्योंकि Uh, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो फायर से डरते हैं तो इसलिए वे uh, अंधेरे में ही रहे द बीस्ट वर अफ्रेड ऑफ फायर अफ्रेड ऑफ द अफ्रेड ऑफ ब्लैक वे फायर से ह्यूमन से और ब्लैक हेट से डरे हुए थे एवरी नव एंड देन ब्लैक वुड थ्रो अ चपाती और अ बोन इन टू द डार्क समय समय पर एवरी नव देन मीन समय समय पर ब्लैक हेट चपाती या फिर बोन अंधेरे में फेंक देता था एंड द डॉग्स वुड फाइट ओवर इट और डॉग्स उसके ऊपर फिर लड़ते थे झगड़ते थे द जैकल्स वेटेड जैकल्स अपने टर्न का वेट करते थे द हाइना वॉज फेवर्ड विदी बॉर्ड ऑफ मटन मटन की एक जो है इट अपियर टू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप ब्लैक हेट यानी कि ऐसा लगता था कि ब्लैक हेट के साथ उनकी कुछ स्पेशल रिलेशनशिप हो इट वेटेड इट वेटेड पेशेंसली बहुत धैर्य से उन्होंने इंतजार किया लाफिंग नाउ कॉन्फिडेंट दैट वुड कम इट्स वे बहुत ही पेशेंसली जो है वे बहुत ही कॉन्फिडेंट भी थे कि कुछ न कुछ लिटिल फूड थोड़ा बहुत जो बच्चा कुछ जो भोजन है वो उनके पास भी आएगा वे इंतजार कर रहे थे द जैकॉल्स वुड कम फॉर द लेफ्ट ओवर वंस द फीस्ट वॉज ओवर मीन्स जब उनकी दावत खत्म हो गई तो जैकॉल Uh, उसके बाद आता है लेफ्ट ओवर फूड के लिए जो बचा हुआ फूड था इफ देयर वर एनी कैट्स अराउंड दे स्टेड आउट ऑफ साइट और अगर आसपास में कोई कैट होती तो वे दूर ही रहते फिर जयकॉल्स द केयर टेकर कैफ्ट द बॉयज अवेक विद टेल्स ऑफ ट्रेजर विच क्राफ्ट हैपनिंग्स ऑन विच माउंटेन केयर जो केयर टेकर था उसने पूरी रात उनको जगाए रखा उनको कहानियां सुनाता रहा कोई ट्रेजर की ट्रेजर मीस होता है खजाना विच क्राफ्ट मीस जादू टोन कहानियां या फिर अज, अजीब सी हैपनिंग्स जो कि विच माउंटेन के ऊपर होती है जादुई पर्वत के ऊपर जो अजीब सी हैपनिंग्स होती है उनके बारे में वो कहानियां सुनाता रहा और उनको उन्होंने जगाए रखा उन बॉयज को ज ए मैजिक स्टोन हिडन ऑफ देयर उसने कहा कि एक मैजिक स्टोन छिपा हुआ है रेयर जेड एन एमराइल्ड ब्रॉड फ्रॉम तिब्बतन चाइना बाई एन आर्ली ट्रेवलर एक अर्ली ट्रेवलर के द्वारा जो लाया गया था तिब्बतन चाइना से ठीक है एक बहुत ही दुर्लभ सा एक हरे रंग का एक एमराइल्ड होता है मरकट फाइंड इट एंड यू विल बी मेड फॉर लाइफ आप उसको पता लगाओ रस्टी एंड एंड कम ऑन ए ट्रेजर हंट रस्टी फ्रेंड नहीं गए उस ट्रेजर हंट पे बट इफ देयर वॉज ट्रेजर टू बी फाउंड लेकिन अगर ट्रेजर है जिसका पता लगाया जाए वाई नॉट लुक फॉर इट तो क्यों नहीं उसको क्यों उन्हें ढूंढा जाए अगर ट्रेजर है तो उसको ढूंढना चाहिए पता लगाना चाहिए उसको सो दियर डियर स्टूडेंट्स इट वॉज द स्टोरी बायिन बॉन्ड एंड एडिटेड एक्स्ट्रैक्ट फ्रॉम रस्टी एंड द मैजिक माउंटेन ये रस्टी और मैजिक माउंटेन से लिया गया है ये एक्स्ट्रैक्ट ओके सो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज रॉन्ड एंड आफ्टर दैट ये स्टूडेंट्स वी विल हैव अ लुक ऑन द वर्ड मीनिंग्स जस्ट लुक द फर्स्ट वन इज डेमोनिक मीन्स डेविल के जैसा डेमोनिक मीन्स होता है डेविल के जैसा लाइक अ डेमन ओके तो आप इसको करेंगे लाइक ए डायमंड यहां तक कर लीजिए ठीक है लाइक ए डायमंड कॉन्टिनेंस फेस होता है चलिएगा फेस कर लीजिए बस केवल डेविल्स डेविल इविल सॉरी इविल बुरा और टिंज मीन्स होता है अ लिटिल अमाउंट और फीलिंग और कलर चलिए तो इसको आप फीलिंग तक रखेंगे लिटिल अमाउंट ऑफ फीलिंग फ्लिकरिंग मीन्स होता है लाइट दैट कीप्स चेंजिंग ठीक है इसको आप यहां तक ही रखेंगे कीप्स चेंजिंग यानी कि जो लाइट है कभी वो कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है मींस इट कीप्स चेंजिंग दैट मींस फ्लिकरिंग मैजिस्ट्रेट अ जज इन अ कोर्ट कोर्ट में जो जज होता है उसको मैजिस्ट्रेट कहते हैं ये पूरा करना है डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंस मींस महत्व इंटेंशन मींस होता है प्लान टू डू समथिंग कुछ करने का इरादा पूरा करना है डेंट मींस होता है मार्क ठीक है इसको आप मार्क तक ही रख लीजिए बस मुश्किल होता है मीस जो हमें झूठी लगती है सुनने में दैट इज टॉल स्टोरी नेक्स्ट वन इज टिटबिट अ स्मॉल पीस ऑफ फूड मीस थोड़ा सा भोजन कहते हैं ना थोड़ा सा भोजन तो दैट इज टिटबिट पूरा करना है डियर स्टूडेंट्स ये So complete your work, okay?